सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दी, जिन्हां दे वल्लों चंडीगढ़ पुलिस दे खिलाफ उन्हां वल्लों पाए गए परचियां दे खिलाफ एक वड्डा ऐलान कर दिता गया है। लाल किले दी हिंसा दे विच दिल्ली पुलिस दे वल्लों एक्शन लगातार जारी है। जम्मू दे विच एयरफोर्स दे स्टेशन ते एक बार फिर तो हमले दी कोशिश कीती गई है। कश्मीर दे विच सिख कुड़ियां दे जबरी धर्म परिवर्तन दा मसला हुण तूल फड़दा दिखाई दिंदा है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब नूं लैके कुछ वड्डे ऐलान कर दिते ने। नवजोत सिंह सिद्धू नूं दिल्लीओं बुलावा आ गया है। बेरोजगार अध्यापक उत्थे पहुंच गए ने जिथे कैप्टन दी मर्जी तों बिना कोई भी नहीं पहुंच सकदा है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तों पहलां शुरुआत करदे आ किसानी अंदोलन तों। 26 जून नूं किसानां दे धरने नूं 7 महीने पूरे होए। दिल्ली दे बार्डरां ते गवर्नरां नूं मंग पत्र दिते गए। पंजाब दे विच चंडीगढ़ दे गवर्नर नूं मंग पत्र किसानां दे वल्लों दिता गया, पर चंडीगढ़ पुलिस ने गुस्से दे विच आ के बहुत वड्डे पद्धर ते परचे किसानां दे खिलाफ, समाज सेवियां दे खिलाफ, पंजाबी कलाकारां दे खिलाफ परचे कट दिते। उस तों बाद कुछ कलाकारां दे वल्लों इह वी किहा गया, जिवें कि सोनिया मान अते जस बाजवा दे वल्लों किहा गया कि उन्हां दे वल्लों तां चंडीगढ़ दे विच एंट्री वी नहीं कीती गई है, फिर उन्हां ते चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों परचे दर्ज किवें कीते जा सकदे ने। हुण इस सारे मसले दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों एक वड्डा ऐलान कर दिता गया है। संयुक्त किसान मोर्चे दे मैंबर एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू अज चंडीगढ़ पहुंचे सन, जिन्हां दे वल्लों एक वड्डी जानकारी दित्ती गई है। वह कहिंदे ने कि किसान मोर्चे दे वल्लों इस सारी गल दा नोटिस लिया जा रहा है। बिल्कुल गैर संविधानक तरीके नाल चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों ये परचे किए गए ने। प्रेम सिंह भंगू कहिंदे ने कि मैं हाई कोर्ट का वकील हाँ, मैनू सारा कुछ पता है जिहड़े परचे इन्हां ने पाए ने। एक दिन भी कोर्ट दे विच ए परचे नहीं टिकने, क्योंकि इन्हां ने अपनियां FIR-ां दे विच कहा है कि किसानां ने इन्हां दीआं वर्दियां पाड़ दित्तियां ने, इन्हां ते जानलेवा हमले तक कर दित्ते ने, जदकि अजिहा कुछ भी नहीं होया है। सारा कुछ इन्हां ने अपनियां FIR-ां दे विच झूठ अते गलत लिखिया है। प्रेम सिंह भंगू दे वल्लों चंडीगढ़ पुलिस नूं अपील कीती गई है कि सारे परचे खारिज कीते जाने चाहीदे ने। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों उन्हां ने ऐलान कीता है कि चंडीगढ़ दे विच एक वकीलां दा पैनल तैयार किया जाएगा जिहड़ा कि सारे ये केस लड़ेगा, सारी कानूनी पैरवाई हुण किसान मोर्चे दे वल्लों कीती जाएगी। जिन्ना भी लोकां ते परचे चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों कट्टे गए ने, उन्हां दी सारी कानूनी पैरवी किसान मोर्चे दे इस पैनल दे वल्लों, वकीलां दे पैनल दे वल्लों मुफ्त कीती जाएगी। इहदे विच भावें ओह किसान होण जिन्हां ते परचे कीते गए ने, भावें पंजाबी कलाकार होण, अदाकार होण, समाज सेवी होण, भावें किसे नाल भी संबंध रखते हो, सदा किसान मोर्चे दे वल्लों दिता गया सी। इस करके जिम्मेवारी भी किसान मोर्चे की ही बनती है कि सारे केस किसान मोर्चे दे वकीलां वल्लों ही लड़े जाण, अते इदा ही होवेगा। चंडीगढ़ प्रशासन नूं चेतावनी भी दिती गई है कि छेती तो छेती ये परचे रद्द किए जाने चाहिए ने, नहीं तो कोर्ट के विच चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ फिर वकील अपना हमलावर रुख अख्तियार करनगे, क्योंकि परचियां दे विच कुछ ज्यादा दम नहीं है। वह तो एक दिन भी नहीं टिकने, पर चंडीगढ़ पुलिस नूं अपनी जिम्मेवारी समझदिया पहला ही इन्हां परचियां नूं रद्द कर देना चाहीदा है। अगली खबर दे वल वधदे आ, गल लाल किले दी हिंसा दी कर लैने आ। दिल्ली पुलिस दे वल्लों, दिल्ली पुलिस दीआं विशेष टीमां दे वल्लों लगातार एक्शन कीता जा रिहा है। पंजाब दे अमृतसर जिले तों लाल किले दी हिंसा दे विच लड़िंदे गुरजोत सिंह नूं गिरफ्तार है दिल्ली पुलिस दी विशेष टीम दे वल्लों कर लिया गया है। 1,00,000 रुपए दा इनाम दिल्ली पुलिस दे वल्लों गुरजोत सिंह ते रखिया गया सी। गुरजोत सिंह नूं दिल्ली दे विच लाल किले दे विच होई हिंसा दे लई जिम्मेवार दिल्ली पुलिस दे वल्लों दस्सिया गया है। सूचना देने वाले नूं 1,00,000 रुपया दिता जाएगा, अजिहा ऐलान किया गया सी। पर पंजाब दे विचों हो रही लगातार गिरफ्तारियां ने पंजाब दी सरकार ते भी कई तरह के सवाल झुक दिते ने, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया सी कि जदों भी पंजाब तों बाहरी किसी एजेंसी ने पंजाब दे विच गिरफ्तारी करने लई आउणा है तां पंजाब सरकार नूं उसदी जानकारी देनी ही पवेगी। पंजाब सरकार दी मंजूरी तों बिना कोई भी गिरफ्तारी पंजाब दे विचों नहीं होएगी। हुण लाल किले दी हिंसा नूं लैके जिहड़ियां
गिरफ्तारियां पंजाब दे विचों हो रही ने, उस बारे सवाल ये उठ रहे हैं कि की कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस सब की जानकारी हुंदी है जां फिर उन्हां दी जानकारी तो बिना ही दिल्ली पुलिस पंजाब दे अंदर एंटर करती है अते पंजाब दे किसी भी नागरिक नूं गिरफ्तार करके लै जांदी है अते पंजाब दे मुखिए नूं कुछ भी पता नहीं लगता है। दोनों मसलियां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह कसूते फसदे दिखाई देंदे ने क्योंकि वह पंजाब दे गृह मंत्री ने, पंजाब दा सारा कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने अंडर ही आता है। दोवां मसलियां दे विच किवें फसदे ने जेकर उन्होंने पता है उन्हां दी मंजूरी नाल हो रहा है तो भी सवाल उठते हैं कि अपने ही नागरिकां नूं लाल किले की हिंसा दे विच गिरफ्तार कैप्टन अमरिंदर सिंह किवें करवा सकते हैं। जेकर उन्होंने नहीं पता जिहड़ा दूजा पक्ष है, जेकर उन्होंने नहीं पता यह भी गलत गल है कि पंजाब दे मुखिए नूं, पंजाब दे गृह मंत्री नूं पता ही नहीं कि बाहर की पुलिस आउंदी है अते उन्हां दे नागरिकां नूं चुक के लै जांदी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों अजे तक इस नूं लैके कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिता गया, नहीं दस्या गया है कि उन्होंने इस बारे कोई इलम है या फिर नहीं। जदों भी कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बारे कोई जानकारी देंगे उस बारे असी तुहानू जरूर दसांगे। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंतजार किया जा रहा है। जेकर गल करिए उस नौजवान की जिस दे वल्लों लाल किले ते केसरी झंडा झुलाया गया सी तरन तारण के पिंड वातारा सिंह दे जुगराज सिंह दी, तां उस दे परिवार नूं अज 1 लाख रुपए की माली मदद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों दित्ती गई है। श्रोमणी कमेटी दे मैंबर मनजीत सिंह जुगराज सिंह दे घर पहुंचे सन, उत्थे उन्होंने एक तो परिवार को सन्मानित किया। SGPC दे मैंबर मनजीत सिंह का कहना है कि इन्हों के पुत्र ने बड़ा वधिया काम किया है, इतिहास में दोहरा दिता है। पहला भी बघेल सिंह दे वल्लों केसरी निशान साहब झुलाया गया सी लाल किले ते, अते हुण जदों जुगराज सिंह ने यह काम किया है सानू उस ते माण है, उसने बहुत वधिया कार्य किया है। सानू पता लगा सोशल मीडिया के जरिए सानू पता लगा कि जुगराज सिंह दे परिवार की वित्तीय हालत सही नहीं है, इस करके 1 लाख रुपए का चैक SGPC दे वल्लों बीबी जगीर कौर दे वल्लों जुगराज सिंह दे परिवार नू भेजा गया है। SGPC दे वल्लों सन्मानित किया गया है जुगराज सिंह दे परिवार नू अते 1 लाख रुपए की माली मदद भी की गई है। अगली खबर दे वल वधदे हां, गल कश्मीर दी कर लेने। कश्मीर दे विच सिख कुड़ियां दे जबरी धर्म परिवर्तन का मसला हुण तूल फड़दा दिखाई दिंदा है, भावें वह कश्मीर होवे भावें वह देश की राजधानी दिल्ली होवे। इस मसले नूं लैके हुण धरने लगन लग पए ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा दे वल्लों मोर्चा सांभ लिया गया है। इस मसले नूं लैके मनजिंदर सिंह सिरसा कश्मीर पहुंचे हुए सन, उत्थे उन्हां दे वल्लों धरना भी दिता गया कि इन्हां कुड़ियां नूं आजाद करना चाहिदा है क्योंकि इस वेले जिन्हां कुड़ियां दा धर्म परिवर्तन करवाया गया है उन्हां नूं उन्हां लड़कियां ने रखिया है जिन्हां दे नाल उसदा कथित तौर पर निकाह करवाया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पहला धरना दिता अपने साथियों के नाल, उस तो बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर के नाल उन्होंने एक मुलाकात करने की कोशिश भी की है, एक चिट्ठी भी लिखी है जिस दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा दावा करते हैं कि गवर्नर ने उन्होंने भरोसा दवाया है कि ये लड़कियां अपने घर वापस आ जाएंगियां। उतों के प्रशासन के नाल भी मनजिंदर सिंह सिरसा दे वल्लों लगातार गलबात की जा रही है। सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कश्मीर दे विच कीती है, उत्थे उन्होंने लोकल पार्टियां दे कोलों मंग कीती है जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने, वो कहिंदे ने कि देश दे विच किते भी मुसलमानां ते कोई अत्याचार हुंदा है सिख उत्थे अगे आउंदे ने, जेकर कश्मीर मुसलमानों की बहु गिणती है जेकर इतने सिखा से कोई अत्याचार होंदा है तो मुसलमानों अगे आना चाहिए है क्योंकि आपसी भाईचारा तो इसे ही मंग करता है, जेकर असी तुहाडे लई खड़दे हाँ तो तुहानू भी साडे लई खड़ना चाहिए है, इदा ना करो तुहानू चुप नहीं बैठना चाहिए। इस तो इलावा हुण दावा यह भी किया जा रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा दे वल्लों कि छेती ही जेकर उन्हां लड़कियां नूं रिहा ना किया गया, परिवारों नूं ना सौंपया गया तो DSGMC दे वल्लों होर भी धरने प्रदर्शन किए जा सकते हैं। अजिहा दावा DSGMC के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के वल्लों कर दिता गया है। अगे वधदे आ गल जम्मू की कर लैने। एक दिन पहला ही जम्मू के एयरफोर्स के स्टेशन से 2 ड्रोना के वलों धमाके किए गए सन, 2 जवान जख्मी भी हो गए सन। उस तो बाद अलर्ट जारी कर दिता गया सी अते अज 2 होर हमले करने की कोशिश 2 ड्रोना के वलों की गई जिसनों के एयरफोर्स के जवानों के वलों नाकाम कर दिता गया है। रात को 11:45 पर एक ड्रोन आया जिस पर फायरिंग कर दी गई एयरफोर्स
जवानों के वलों आते ड्रोन नू कोई भी गोली नहीं लगी, ड्रोन उतों चलिया गया। उस तो बाद दूजा ड्रोन आया जो कि रात नू 2:40 आया, उसते भी फायरिंग एयरफोर्स के जवानों के वलों कर दी गई, वह भी उतों चलिया गया। एयरफोर्स का कहना है कि यह वड्डा हमला करने की कोशिश की जा रही है, जिसनों के चौकस जवानों के वलों इस हमले की साजिश नाकाम कर दिता गया है। हुण पूरे जम्मू के तलाशी मुहिम सेना के वलों चला दी गई है, वधेरे पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए ने, तलाशी ले जा रही है आने जाने वाली गड्डिया की भी, तो पता लाया जा सके कि आखिर यह सब हो कितों रहा है और होर किसी अणसुखावी घटना रोकया जा सके। एक दो दिन के लगातार दो हमले कर कोशिश वह भी ड्रोना के जरिए की गई है, इस किसी व्डे अतवादी हमले की आहड़ के वजो भी देखा जा सकता है। अगली खबर के वल वधदे आ, गल पंजाब दी कर लैने आ। उत्थे पहुंच गए बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापक, जिथे पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी मर्जी तो बिना कोई भी नहीं पहुंच सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे फार्म हाउस से पहुँच गए बेरोजगार अध्यापक, बिल्कुल फार्म हाउस के गेट पर ही पहुँच गए, दरवाजे पर पहुँच गए, खेतों के जरिए सिसवां दे विच जाके खेतों के जरिए पिछों दी सिसवां दे फार्म हाउस नू घेरा पा लिया गया इन्हों बेरोजगार अध्यापकों के वलों, अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे फार्म हाउस के दरवाजे पर धरना देना शुरू कर दिता इन्हों बेरोजगार अध्यापकों ने। दरअसल इन्हां बेरोजगार अध्यापकों के वलों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाले दे विच 100 दिनों तो वध दा धरना लाया गया है, पर पटियाले दे विच तां कैप्टन अमरिंदर सिंह बौड़दे ही नहीं, उत्थे उन्हां दी कोई भी नहीं सुनी जा रही है, मोती महल नूं घेरन दा कोई भी फायदा नहीं है। इस करके इन्हां बेरोजगार अध्यापकों ने सोचा कि जिथों बैठ के कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सूबे ते राज कर रहे ने, जिथों सारे फैसले लै रहे ने, हुक्म सुना रहे ने, सानूं उसे नूं ही जाके घेरना चाहीदा है। सामने वाले पासे पुलिस दा पहरा हुंदा है, इस करके खेतों के वलों पिछले वाले पास्यों पहुँच के अगे बिल्कुल दरवाजे के अगे इन्हां बेरोजगार अध्यापकों के वलों धरना ला दिता गया, अते उस तो बाद पंजाब पुलिस का कहर इन्हां ते वरदा दिखाई दिता, लत्तों फड़ के बाहों फड़ के वालों तो फड़ के इन्हां सारे बेरोजगार अध्यापकों नूं धूया गया, चपेड़ा मारिया गई, इन्हां दे कपड़े भी पाड़ दिते गए, उस तो बाद बसां दे विच लद के इन्हां सारिया नूं हिरासत दे विच ले लिया गया। इन्हां बेरोजगार अध्यापकों का दावा है कि एक साडा साथी कैप्टन दे शहर पटियाले दे विच BSNL दे टावर ते चढ़े आए, 100 दिन हो गए ने, उसकी भी सार सरकार दे वल्लों नहीं ली जा रही है, 100 दिन तो वध पटियाले विच बैठिया हो गया है, सार नहीं ली जा रही है, कैप्टन तां अयाश राजा है, उसके वल्लों उन अपने लोगों की कोई भी सार नहीं ली जाती है, इस करके कैप्टन नूं जगाउण लई आए हैं, जिहड़ा कि अपने फार्म हाउस दे विच सुता बैठा है, लोके बैठा है, साडा कैप्टन वह कहदा कैप्टन है जिहड़ा लोके ही बैठा है, कैप्टन तो अगे लगता हों लीड करता हों, इस करके ही फार्म हाउस में घेरन की कोशिश की गई है, पर पंजाब पुलिस के डंडे के अगे इन्हों बेरोजगार अध्यापकों की एक भी ना चली, मांगे कर रहे सन कि उदो ही जावे जो कैप्टन फार्म हाउस तो बहर आने इन्हों गलबात करे, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी धरनाकारी नहीं मिलते होंगे, पिछले 4.5 साल ये गल तो पूरी साफ हो चुकी है, कैप्टन ने तो की मिलना सी, चंगे तरीके इन्हों पंजाब पुलिस ही मिली है, काफ़ी धक्का मुक्की तो बाद इन्हों हिरासत के लै लिया गया, गुस्से के आते दिखाई देंगे ने, यह बेरोजगार अध्यापक वादे साडे नाल किए गए, हुण साडी ही गल साडे ही मुख मंत्री दे वल्लों नहीं सुनी जा रही है, इसनूं लैके काफ़ी दुख भी इन्हां बेरोजगार अध्यापकों के वलों जाहिर किया गया है। अगे वधदे आ, गल धरने प्रदर्शनों की ही कर लैने आ, PRTC अते पन बस दे कच्चे मुलाजमान दे वल्लों पूरे पंजाब दे विच 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया गया है, 28, 29 और 30 जून कहिंदे ने 3 दिन तक हड़ताल ते रहांगे, बसा नहीं चलावांगे। एक कच्चे मुलाजम कहिंदे ने कि जदों सानू रखिया गया सी नौकरी ते इन्होंने कहा सी कि 3 साल तक तुहानू कच्चे रखांगे, उस तों बाद तुहानू पक्कियां कर दिता जाएगा, पर 3 साल तां छड्डो, 6 साल छड्डो, 10 साल छड्डो, सानू 15-15 साल हो गए ने, सरकारां दे वल्लों सानू रैगूलर करन दे वल कोई भी ध्यान नहीं दे
दिता जा रहा है, सानू हुण अक चबना पै गया है। लोगों को तो मुश्किल हो रही है पर साडे कोल होर कोई चारा ही नहीं बचता है, हड़ताल करांगे, शायद सरकार सुन लवे। जेकर सरकार नहीं सुनती है तो पटियाला दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिहायश मोती महल का घिराओ करन दा ऐलान भी इन्हां पीआरटीसी अते पनबस के कच्चे मुलाजमान दे वल्लों कर दिता गया है। इस मौके यात्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते दिखाई देते, खास तौर पर औरतों को मुश्किलों का सामना करना पिया क्योंकि सरकारी बसों के मुलाजमान के वलों हड़ताल की गई है, बसा बंद की गई ने। सरकारी बसों के महिलावां का किराया नहीं लगता, हुण उन्हां नूं प्राइवेट बसों के किराया दे के सफ़र करना पै रहा है। ज़्यादा मुश्किल इस वेले महिला यात्रियों नूं हुंदी दिखाई दिंदी है कि कैप्टन सरकार बसों वालों की कोई सुनेगी जां फिर नहीं, जां फिर इस हड़ताल नूं इन्हां मुलाजमान के वलों होर भी अगे वधाया जांदा है। इह तां आउण वाले दिनां दे विच ही पता लगेगा। अगली खबर दे वल वधदे हां। ये सारे तो हो गए धरने प्रदर्शन पंजाब सरकार के खिलाफ, पर पंजाब सरकार की कर रही है तुहानू वो भी दस दिने आ। पंजाब सरकार आपस दे विच लड़ रही है, एक पासे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री की कुर्सी एक दूजे के थल्लों खिंचते दिखाई देते हैं, पाव्यां नू हथ पए हुए ने। उधर दूजे पासे कांग्रेसी विधायक अते मंत्री भी पिछे नहीं, हुण पेचा पै गया है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिहड़े कि गिदड़बाहा तो कांग्रेसी विधायक ने अते वित्त मंत्री पंजाब दे खजांची मनप्रीत सिंह बादल दा इन्हां दोनों दा पेचा पै गया है। पेचा पिया है मनप्रीत सिंह बादल दे साले दे पिछे, जयजीत सिंह जौहल दे पिछे। दरअसल बठिंडा शहरी तो अकाली आगू, सीनियर अकाली आगू अते साबका विधायक सरूप चंद सिंगला दे वल्लों बठिंडा दे थर्मल प्लांट दे विच एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया सी, जिस दे विच सरूप चंद सिंगला ने इल्जाम लाए कि मनप्रीत सिंह बादल अते उन्हां दे रिश्तेदार जयजीत सिंह जौहल की सरप्रस्ती दे विच नजायज माइनिंग इत्थे कुछ लोगों के वल्लों की जा रही है। उस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे वल्लों अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ते पा दित्ती गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उस वीडियो दे विच टैग करके राजा वड़िंग ने मांग कीती कि जिन्हां ते भी इल्जाम लग रहे ने उन्हां दी जांच भी होनी चाहीदी है अते उन्हां ते कार्रवाई भी होनी चाहीदी है, भाव मनप्रीत सिंह बादल अते जयजीत सिंह जौहल ते कार्रवाई की मंग राजा वड़िंग दे वल्लों कर दित्ती गई। फिर वारी आ गई लगभग 3 घंटे बाद जोजो दी, भाव जयजीत सिंह जौहल दी जिहड़े कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल दे साले ने, उन्हां दे वल्लों उही कुछ लिख दिता गया जो कुछ राजा वड़िंग ने लिखिया सी अपनी पोस्ट दे विच। उन्होंने उही शब्द लिखे पर एक खबर का लिंक भी पा दिता। खबर कि फरीदकोट के कुछ समा पहला एक व्यापारी के वलों खुदकुशी कर ली गई सी, उस दे विच नाम लग गया सी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे साले दा कि उसने दबाव बनाया है व्यापारी ते अते व्यापारी ने खुदकुशी कर ली है। जयजीत सिंह जौहल ने उस खबर का लिंक पा के कैप्टन के कोलों मांग कर दिती कि जांच करो अते कार्रवाई करो, भाव जवाब दिता राजा वड़िंग नूं कि जेकर तू साडे लई कार्रवाई की मंग करदा है तो असीं भी तेरे लई कार्रवाई की मंग कर रहे हां। इस तरह कांग्रेसी आपस दे विच ही भिड़दे दिखाई देंदे ने। हरसिमरत कौर बादल ने पोस्ट पाई है कि देख लो जेकर एक साबका विधायक ते जानलेवा हमला हो सकता है स्टिंग ऑपरेशन करदिया ते तां आम लोगों की इत्थे फिर सुरक्षा बारे। श्रोमणी अकाली दल इस मसले ते हमलावर रुख अपनाउंदा दिखाई दिंदा है। अगे वधदे आ, गल अरविंद केजरीवाल की कर लैने। आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जदों भी पंजाब आउंदे ने विवाद खड़ा कर देंदे ने, बहुत चर्चा दे विच आ जांदे ने। जदों पिछली बार आए सन उदों भी काफ़ी चर्चा हुई सी, अज उन्हां दे वल्लों एक ट्वीट किया गया जिस तों बाद पंजाब दा सियासी माहौल भखदा दिखाई दिंदा है। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब दे विच पंजाब दीआं औरतां बहुत ज़्यादा दुखी ने क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आउंदा है। कल चंडीगढ़ मिलते हैं। उन्होंने इस ट्वीट तो बाद पंजाब की सियासत दे विच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान भगवंत मान दे वल्लों जानकारी दी गई है कि केजरीवाल पंजाब क्यों आ रहे हैं। भगवंत मान का कहना है कि पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा जेकर लोग किसी गल तो औखे ने ना वो बिजली के बिलों तो औखे ने, अते जेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली दे विच कंपनियां दे कोलों बिजली खरीद के लोगों को मुफ्त बिजली दे सकती है तो पंजाब दे सरकार कोल तां अपने थर्मल प्लांट ने, अपने थर्मल प्लांट होने के बावजूद इन्नी महंगी बिजली लोगों को दे रही है पंजाब सरकार। केजरीवाल खरीद के सस्ती दे जांदा है अते फ्री भी दे जांदा है। दिल्ली सरकार दावा करती है कि दिल्ली के 73% लोगों का बिल
जीरो आउंदा है, उन्हां नूं एक भी रुपया बिजली दे बिल वजो नहीं देना पैंदा है। आते भगवंत मान ने जानकारी दी है कि केजरीवाल पंजाब दे लई वी अजिहे वड्डे ऐलान कर सकते हैं कि जेकर आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच सत्ता दे विच आउंदी है तां मुफ्त बिजली पंजाबियां नूं भी दित्ती जा सकती है। उन्होंने संकेत दिता है कि केजरीवाल अजिहा कोई ऐलान कर सकते हैं। उधर दूजे पासे आम आदमी पार्टी दे इंचार्ज पंजाब दे इंचार्ज जरनैल सिंह दे वल्लों एक दावा कर दिता गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब भवन दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दे लई केजरीवाल नूं इजाजत नहीं दित्ती है, पर असीं प्रैस कॉन्फ्रेंस जरूर करांगे। ये दावा जरनैल सिंह दे वल्लों कीता गया, कैप्टन ने जवाब दे दिता। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिंदे ने कि असीं क्यों रोकना है केजरीवाल नूं, केजरीवाल पहलां आके पंजाब दे विच रैली करके गया है, असीं नहीं रोकिया, बिल्कुल झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। जेकर केजरीवाल कहे तो मैं उस दे लई लंच दा इंतजाम भी कर सकदा, प्रैस कॉन्फ्रेंस तो दूर दी गल है। हुण आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ दे प्रैस क्लब दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे ने, उहदे विच पंजाब कांग्रेस का कोई नुमाइंदा आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो सकता है, क्योंकि जरनैल सिंह ने इस वाले इशारा किया है। वह कहते हैं कि कैप्टन को तगड़ा झटका देन जा रहे हैं, कैप्टन साहब तुसी तैयार रहो। श्रोमणी अकाली दल कहता है कि केजरीवाल सारे लारे लाउंदा है, झूठ बोलता है, इसने जेकर बिजली दे बिल मुआफ करने ही ने तो पहला दिल्ली के किसानों के बिल मुआफ करे, फिर आके पंजाब के लोगों अजिहे वादे करे, ये आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है। श्रोमणी अकाली दल लगातार ये दावे करता दिखाई देता है। जेकर गल करिए कांग्रेस पार्टी के आपसी कलेश की, तो अश्विनी शेखड़ी बारे खबर आ रही सन कि वह श्रोमणी अकाली दल के जा सकते हैं, पर उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के जाने ब्रेक लगती दिखाई देती है, उन्होंने सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि वह किते नहीं जाएंगे, पर हुण इसते भी सस्पेंस बनता दिखाई देता है। खबरां ये आ रही ने कि कैप्टन ने भी फोन किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आते पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने भी अश्विनी शेखड़ी को फोन किया है, जिस तो बाद ही अश्विनी शेखड़ी हुण हस्पताल दे विच दाखल होए ने। श्रोमणी अकाली दल दे विच ओ जाणगे जां फिर नहीं, इस बारे बाद विच पता लगेगा। गल करिए नवजोत सिंह सिद्धू दी, तां उन्हां नूं खबरां आ रहियां ने कि राहुल गांधी अते प्रियंका गांधी दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू नूं दिल्ली तलब कर लिया गया है। छेती ही वह दिल्ली पहुँच सकते ने, अते उन्हां नूं कोई मिलना है कुछ अहुदा कोई जां नहीं, ये एक दो दिन दे विच साफ हो जाएगा। ये कुछ वह जानकारी वह खबर जो थोड़े तक पहुँचाया बहुत जरूरी सन। इन खबरों में किसी खबर बारे या फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे थोड़ी कोई भी राय या सुझाव है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल से जेकर नवे आए हो सबसक्राइब कर लो, फेसबुक से पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा, तुसीं देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर का सच।